कुछ छपरी होता ना, छपरी कहीं भी मुंह मार देना, अपने दोस्तों को बॉयफ्रेंड को छिल लेना कहीं। अफसोस अफसोस अफसोस, टिकटकिया स्टार को खुद तारीफ करना पड़ता है, वो भी अपने बुआ के बेटी के साथ किसी को बुला लेती है और कहती है कि ये जलवा है अपना बिहार में नहीं पूरा देश में, वो भी आठ आने का बिग बबुल खा के। और उसे में एगो मीडिया वाला पूछ दिया, पहले तो सुन लीजिए, कि आप दूध वाला से शादी कीजिएगा? तो खैर इसका तो मन है कि अभी भी हम कर ले, लेकिन उनके पिताजी साहब बता चुके हैं कि भैया वो फूहड़ है और राव साहेब एक संस्कारी परिवार से आते हैं, राव साहेब की बहू बनने के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए, इन टिकटकिया स्टार को कहीं जगह नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा वैसे ही, खैर जब से टिकटकिया स्टार लोग आया तब से, सोशल मीडिया पे आया तब से नाच के लौंडा लोग का भाव कम गया, सच ही है भैया, ये सच नहीं बिल्कुल 100% है। जब से टिकटकिया स्टार लोग सोशल मीडिया पे आया तब से जो लोग नाच में जो लौंडा बनता था उन लोगों का ये लोग भूखे मार दिया, और कई सारे आरोप भी लगा चुके हैं भैया नाच के लौंडा कि यही लोग हम लोगों का रोजी रोटी मार दिया, नाच के लौंडा लोग, नाच के जोकर लोग भी आरोप लगा चुका है कि भैया जब से ऐसे ऐसे टिकटॉकर लोग आया तब से लोग खुद, हम लोग तो झूठ को दिखाते थे और ये लोग तो, हम लोग तो झूठ का लड़की बनते थे, झूठ का जुकराई करते थे, लेकिन ये लोग तो सच में ही सोशल मीडिया पर अपना लहंगा चोरी दिखाने लगा, ढूरी दिखाने लगा, जुकराई करने लगा और हम लोगों का पेट पे लात मार दिया। कई लौंडा लोग कई आरोप लगा चुके हैं, तो इसे तो हम यही तो कहते हैं कि भैया इसे अच्छा नाच के लौंडा, कम से कम लोग लड़का ही बन के लड़की ने अपना अपना अंग प्रदर्शन तो नहीं ने किया। तो हाँ, तो देख लीजिए इन लोगों को कितना मनीषा रानी का जलवा है तो फन्ना रानी का जलवा है, खुद से करना पड़ रहा है भाई खुद से। और जो लोग कहता है, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो लोग कहता है बिहार की बेटी है, इन लोगों को नाम बिहार की बेटी से दर्जा देता है, तो उन लोगों को मारिए, उन लोगों को मारिए जो कहता है कि बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी टिकटकिया स्टार हो ही नहीं सकती, कोई भी सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाली कोई लड़की बिहार की बेटी हो ही नहीं सकती, और न ही उनका दर्जा बिहार की बेटी से जुड़ा सा आ सकता है। हाँ हम मानते हैं अभिनेत्री कुमकुम वो भी बिहार की है, अभिनेत्री सिंगर या यूँ कह लीजिए सिंगर देवी, उन लोगों को जोड़ा जा सकता है कि ये लोग बिहार की बेटी है, शारदा सिन्हा जी उन लोगों को जोड़ा जा सकता है कि ये लोग बिहार के बेटी है, शारदा सिन्हा जी जिन्हें बचपन से ही गाने का शौक था और जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी गुनगुनाया करती थी और उनका जो गाने का आइडिया था, गाने का ढंग था, मास्टर साहब खुश होके शारदा सिन्हा जी का आवाज़ उस जमाने पर टेप में रिकॉर्ड करके उनका गाना लोगों को सुनाया गया था। और इस तरह से क्योंकि हम उनके ऊपर भी, मेरा जो भोजपुरी चैनल है उनके ऊपर भी हम बायोग्राफी बना चुके हैं, शारदा सिन्हा जी कैसे बचपन में गाने का शौक रखती थी और पूरा डिटेल्स में उनके हम बायोग्राफी, हम उन्हीं अभिनेता और अभिनेत्री का जिक्र करते हैं, उन्हीं अभिनेता और अभिनेत्री का बायोग्राफी जीवनी, जैसे कैसे वो स्टार बनी, बचपन में क्या करती थी, कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ, उन लोगों का हम तारीफ करते हैं। शारदा सिन्हा जी जैसे लोगों को अगर आगे चल के वैसे लोग आते हैं हमारे बिहार में, तो उन लोगों का नाम आप जुड़िए, बिहार की बेटी का नाम दर्जा दीजिए। अगर आप टिकटकिया स्टार जैसे लोगों को आप बिहार की बेटी से नाम दर्जा देते हैं तो आप बिहार की बेटी, जो बिहार की संस्कृति, बिहार का मान सम्मान है, आप उनका मतलब तार तार कर रहे हैं, तार तार। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप बिहार के बेटी से नाता मत जुड़िए और न ही बिहार के संस्कृति से जुड़िए और न ही बिहार के बेटी का नाम से दर्जा दीजिए। खैर आने वाला समय में अगर मैं मानता हूँ कोई शारदा सिन्हा जैसे सिंगर, शारदा सिन्हा जैसे जी अभिनेत्री कुमकुम जैसे एक्टर्स ये लोग आते हैं तो उन लोगों को दर्जा दीजिए, ये मेरा मानना है। देवी सिंगर जैसे लोग उन लोगों को दीजिए। और एक क्या भैया टिकटॉक या स्टार लोग जानते हैं
लोग कहते थे बचपन में कि जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो अक्सर बिगड़ ही जाता है। वो कहावत भी है कि बिगड़ल बेटा होटल में और बिगड़ल बेटी थिएटर में। ये पुराना कहावत है और ये बात बिल्कुल सही है। बिगड़ल बेटा होटल में और बिगड़ल बेटी थिएटर में, लोगों का कहना था बचपन में। और उन्हीं में से नहीं है भैया, तो क्या स्टार उन्हीं में से ना बिगड़ल बेटी में से। सातवीं क्लास में ही थी तो भाग गई थी, आप लोगों को नहीं पता है, बायोग्राफी देखे है। अरे हम सब पूरा शुरू से लेके स्टोरी बताते हैं ना शुरू से। आप लोग ऐसे फैंस बन जाते हैं किकरो, हम तो पहले ही बता दिए थे शोले फिल्म, शोले देखा ही होगा आपने। लीला मिश्रा जिन्होंने यहाँ से पल्लू नहीं हटाया, ऐसे पल्लू नहीं हटाया, कई फिल्में छोड़ दी, क्या उनका नाम नहीं चला? उनके पास पैसा नहीं था। अब जरा सोचिए, जो पल्लू नहीं माथे से हटाया लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जिनका नाम अमर हो गया। और उन्होंने ही लीला मिश्रा फिल्म शोले में मौसी का किरदार निभाए हुए हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि भैया बिगड़ल बेटी थिएटर में, बिगड़ल बेटा होटल में, ये वो कहावत है पुराना गांव के। तो ये सातवीं क्लास में ही जब थी, बायोग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सातवीं क्लास में ही थी तो ये अपने घर को छोड़कर न जाने किसके साथ चली गई या अकेले चली गई। सातवीं क्लास में ही थी तब ये अपने गांव को अलविदा कह चुकी थी। और जब ये पांचवी क्लास में ही थी तो इनके माता इनके पिता को तलाक दे दिया था, तलाक। तो वही कहता है, वही वो कहावत है, जिनको माँ बाप का प्यार मिले ही नहीं तो बिगड़ जाता ही है। खैर भले ही आप लोग फैंस होइएगा, तो अगर आप लोग फैंस होइएगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं। और बुरा क्या मानना भैया, सच्चाई तो बताना, सच्चाई तो सच एक दिन सामने आता ही है। भले ही लेट से पहुँचे, आज 10 दिन के बाद पहुँचे, कुछ दिन के बाद पहुँचे, लेकिन सच तो आप लोगों के बीच पहुँचेगा ही, तो बुरा क्या मानना, जो हकीकत है। और हम लोग बायोग्राफी बनाते हैं, चाहे जीवनी बनाते हैं, हर कुछ पूरा डिटेल्स के साथ बनाते हैं। ऐसे शुरुआती दौर में क्या किया, शुरुआती दौर में कैसे क्या करती थी, कैसे फिल्मों में आना हुआ, इनके माता पिता क्या किए, पूरे के पूरे वीडियो बायोग्राफी में जिक्र होता है। तो ऐसे नहीं हम लोग इनका डिटेल्स पता रखते हैं कि भैया कैसे से कैसे की। तो इसीलिए हमको अफसोस जब होता है जब ये लोग खुद अपना बड़ाई करती है कि भैया स्टेशन पर एयरपोर्ट पर 10 गो फुआ के बेटी 10 गो हुआ के बुला के पहुँचा देखे भीड़। और थोड़ी वो बातों बात छोड़ दीजिए, खैर एगो रिपोर्टर हमको सबसे हंसी आ गया जब भैया एगो रिपोर्टर पूछ लिया कि एलबी यादव दूधवाला से शादी कीजिएगा। दूधवाला से तो हाँ करना ही चाहेंगे भैया, वो ऐसे निशन कितने हैं, तब तक एलबी सा टोनी सा फली सा लभी सा ऐसा क्या गो नाम एकर महीना पर पड़ जाता है। तो अहिले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बदनाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ उस लेकर भी बदनाम है। और ये लोग पहले भोजपुरी के ही तुलना भोजपुरी के ही बराबर है, एक लोग कभी भी तगमा नहीं मिलेगा। सिर्फ आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग में आया हूँ दिल्ली बिहार लूटने, वैसे ही गानों में लोग ठुमका लगाइए और इन लोगों का नाम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा जाए। खैर भैया आप, हम जानते हैं कि आप फैंस होइएगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, टिकटॉक क्या स्टार के फैंस है तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई भी सुनना पड़ेगा, ये तो मेरा वादा है। और आपने हाल ही में देखा कि किस तरह से डीजे डोली कई सारे लोग आरोप लगा चुके थे। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो 9 मिनट पार होने वाला है और हमने देखा है किस तरह से खुद का बड़ाई खुद कर रही है। तो ये सब करना बंद कीजिए, अपने बड़ाई जब लोग आपका बड़ाई कर रहे हैं कुछ उस तरह का काम कीजिए। अभी से भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपना पुराना हिस्टोरी को डिलीट कीजिए और फिर कुछ आगे कीजिए, अगर आगे की ओर बढ़ना है तो। और खुद अपने से बड़ाई जहन कर लिए तो पूरा सिस्टम तुम लोगों का तुम्हारा बस की बात है। डायलॉग जो सीख ली दूसरे वाला सिस्टम है उसका नाम मत जोड़ो और उसका नाम मत लो, क्योंकि तुम लोगों का बस की बात नहीं। खैर इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबा कर इस चैनल को फ्री में टन टन आ टन।